हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम सिंगल कलर के ऊंचे बुनाई का डिजाइन डालेंगे, तो इसके लिए मैं 10 नंबर की सिलाई पर ये दो के मल्टीपल से फंदे डाल लिए और मैंने दो सिलाई बॉर्डर के उल्टी उल्टी निकाल के तैयार कर ली। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, डिजाइन डालना, आइए चलते हैं डिजाइन डालना सीखते हैं। तो उसके लिए हम राइट साइड आ गए, ठीक है, राइट साइड आ गए हैं। राइट साइड में मैंने क्या किया है, ये देखिए, एक खंधा तो मैंने उतार लिया है, दो एज के हैं ना, मैंने उतार लिया है, ठीक है। फिर दो खंधे मैंने सीधे बुन लिए, एक एज का दो सीधे बुन लिए। अब नेक्स्ट वाले दो फंदे इनमें डिजाइन डालेंगे, ठीक है। वो किस तरह से, ये दो फंदे ना, फर्स्ट वाले फंदे को एक का जो कर देंगे ऐसे, एक बन लिया आगे से और एक बन लिया पीछे से, ठीक है। ये दो तो सीधे, एक एज का दो सीधे, एक एक के दो कर लिए। फिर नेक्स्ट वाले हैं उसको भी एक के दो कर लिए, एक सीधी की तरफ से और एक बैक लूप से, दो के चार फंदे हो गए। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे। फिर ये दो फंदे हैं, इनको दो के चार करने, एक बार ऐसे सीधी तरफ से, एक बार ऐसे पीछे की तरफ से बैक लूप से, एक के दो। फिर एक बार सीधी तरफ से एक और बैक लूप से एक के दो। फिर दो सिंपल सीधे, फिर ये एक और दो, इनको चार करेंगे, एक दो के चार, एक सीधी तरफ से, एक उल्टी तरफ से बैक लूप से। फिर इसके भी नेक्स्ट वाले के भी एक सीधी तरफ से बनेंगे, फिर इसी फंदे को दोबारा बनेंगे बैक लूप से, तो दो के चार हो गए। फिर दो सिंपल सीधे, फिर ये दो फंदे हैं, इनको दो के चार कर लेंगे, एक बार सीधी तरफ से बनते हुए और एक बार इसको बैक लूप से इसी फंदे को दोबारा बन लेंगे, एक के दो कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वाले को भी एक के दो कर लेंगे, एक बार सीधी तरफ से, एक बार ये बैक लूप से, इस तरह से। फिर दो सिंपल सीधे, ठीक है फ्रेंड्स, दो सिंपल सीधे। इन दो फंदों को मैं दो के चार कर लूँगी, बैक लूप से, फ्रंट लूप से, बैक लूप से, ये फ्रंट लूप से, बैक लूप से, लास्ट वाला फंदा में एज का सीधा। फर्स्ट और राइट साइड में फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई। चलते हैं बैक, पीछे की तरफ से उल्टी तरफ से सेकंड रो में। अब देखिए फ्रेंड, फर्स्ट रो मैंने राइट साइड निकाली, सेकंड रो रॉन्ग साइड आ गए। एक फंदा मैंने उतार लिया, ठीक है, एक फंदा मैंने उतार लिया। यहाँ जो उल्टे बने थे ना, उनको सिंपल उल्टे ही बनने, जो सीधे बने थे, जो सीधे बने थे उनको यहाँ सिंपल उल्टे बनने, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ दो के चार किए थे ना, दो के चार किए थे, उन फंदों का मैं घटाना है। वो किस तरह से, देखिए ये दो फंदे हैं ना, इनको यहाँ घटाने थे, ठीक है, दो सीधे हैं, दो ये दो के चार किए थे, उल्टे नहीं बुनने। यहाँ एक के दो किए थे ना मैंने, ये दो फंदे किए थे, इसको बैक लूप से एक के दो किए थे, अब उल्टी तरफ से सीधा बनते हुए बैक लूप से दो का ही कर देंगे, घट गए। और इन दोनों फंदों को भी दो का एक कर देंगे बैक लूप से, ये फंदे कम हो गए, बराबर हो गए। फिर दो सीधे बने थे उधर से सिंपल, इनको पीछे की तरफ से दो उल्टे बुन लेंगे, दो उल्टे सेकेंड और रॉन्ग साइड। अब ये दो का एक कर देंगे इनको बैक लूप से, फिर इसको भी मैं दो का एक कर दूंगी, तो दोनों फंदे कम हो गए, बैक लूप से करना है। फिर उन आगे ले ली, दो उल्टे बुन लेंगे, दो उल्टे बुन लेंगे, दो सिंपल उल्टे, उन पीछे लेकर इन दो फंदों को बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। दो का एक हो गया,
इनको भी दो फंदों को मैं बैक लूप से सीधा बुनूंगी, फिर उन आगे ले लेंगे, दो उल्टे बुन लेंगे सिंपल, तो ये हमारी सेकंड रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह दो फंदे सिंपल उल्टे, दो फंदों को बैक लूप से सीधा ही बनना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं सेकंड रो रॉन्ग साइड उन आगे लेके कंप्लीट कर देती हूँ। सेकंड रो रॉन्ग साइड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, दो सलाई में हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है। बस ये मात्र दो सलाई का डिजाइन है फ्रेंड्स, ठीक है। राइट साइड में फर्स्ट रो में मैंने एक एज का उतार, दो सीधे फिर दो के चार किए थे, फिर दो सीधे फिर दो के चार किए थे, फिर दो सीधे दो के चार किए। रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई में मैंने चार के दो कर दिए, कटा दिए और दो सिंपल उल्टे बुन लिए, ठीक है। बस यही सिलाई है, दो सिलाई रिपीट उतरेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो उल्टा वाला डिजाइन है वो यहाँ डलेगा, ये वाला यहाँ डलेगा। देखिए बताती हूँ मैं आपको कैसे। एक फंदा मैंने उतार लिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ जो दो सीधे आए ना, यहाँ पर हम डिजाइन डालेंगे फर्स्ट रो की तरह, दो के चार कर लेंगे। एक बार सीधा बना आगे से, एक बार सीधा बना पीछे से, फिर ये नेक्स्ट वाला भी एक बार आगे से सीधा बना, एक बार बैक लूप से सीधा बना। अब ये डिजाइन यहाँ डल गया, ठीक है। और दो फंदे हैं जो सिंपल सीधे बुन लेंगे, दो फंदों में तो दो का चार कर लेंगे, दो सिंपल सीधे बुन लेंगे, दो सिंपल सीधे बुन ली। अब इन नेक्स्ट फंदों में दो के चार कर लेंगे, एक बार ऐसे फ्रंट लूप से, एक बार बैक लूप से, एक बार फ्रंट लूप से, एक बार बैक लूप से, दो के चार कर लिए, फिर दो सिंपल सीधे। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इन दो फंदों को दो के चार कर लेंगे, ऐसे फंदा छोड़ना नहीं है, ये बैक लूप से सीधा, फिर नेक्स्ट वाला फ्रंट लूप से सीधा, फिर इसी को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट दो उल्टे दिख रहे हैं ना, इनको हम दो सीधे बुनेंगे। फर्स्ट रो की तरह ये सिलाई में कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये सीधा फ्रंट लूप से, ये बैक लूप से, ये फ्रंट लूप से, ये बैक लूप से, दो के चार हो गए, फिर सिंपल दो सीधे। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, बहुत सरल डिजाइन है। ये भी दो फंदों का दो के चार करने, फ्रंट लूप से, बैक लूप से, ये फ्रंट लूप से, बैक लूप से, दो सिंपल सीधे और लास्ट वाला मैं एज का सीधा बुनूंगी। ये थर्ड रो है, फर्स्ट रो की तरह निकलेगी। फोर्थ रो फ्रेंड्स, एक उतार लेंगे दो, है ना, एक उतार लेंगे और एक उल्टा बुन लेंगे, एक उतार लिया फ्रेंड्स, दो सिंपल उल्टे बुन लिए, एक और ये दो, दो सिंपल उल्टे बुन लिए, उन पीछे ले गए। इन चार फंदों को दो का एक कर देंगे, ये चार फंदे इनको कटा दिया, बैक लूप से दो का एक कर दिया, फिर इन दो फंदों को भी मैं बैक लूप से दो का एक कर लूँगी सेकेंड रो की तरह, फिर उन पीछे ली दो सिंपल उल्टे, फिर उन आगे आगे की तरफ ले गए और दो का एक कर लिया, और इसको भी मैंने दो का एक कर लिया, ठीक है। उन आगे लिए, यहाँ दो सिंपल उल्टे बुन लिए। इस तरह से मैं अपना डिजाइन सेकंड रो थर्ड सेकंड रो की तरह फोर्थ रो कंप्लीट करके थोड़ा बुन के फाइनल लुक बताती हूँ फ्रेंड्स। बहुत सुंदर बन के आता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे डिजाइन का फाइनल लुक कितना सुंदर ऊपर के आया है। ये छोटी छोटी बूंदकियाँ, ये चार सिलाई का रिपीट पैटर्न है। वैसे तो दो सिलाई का चार सिलाई में कम्प्लीट होता है। ये बूंदी यहाँ यहाँ से यहाँ डली, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखिए ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सिर्फ और सिर्फ
दो सिलाई का डिजाइन है और बहुत ही सरल और सुंदर डिजाइन है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर है ना, बच्चों के फ्लफलर, सॉक्स, कैप, किसी में भी यूज़ करें, बहुत सुंदर उभर के आता है। और किसी भी कॉम्बिनेशन से बनाएं, मल्टी कलर से भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर आता है उभर के। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तभी आपको पता चलेगा क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो फ्रेंड्स लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अपना फीडबैक कमेंट करके दें तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट ज़रूर करें। और भी कुछ आपको सीखना है तो बताएं। बहुत ही सुंदर बन के आया देखिए फ्रेंड्स, है ना, तो ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत फटाफट से बनने वाला स्वेटर है ये। छोटे बच्चों के बनाइए, बड़ों के बनाइए, जेंट्स स्वेटर, हाफ स्वेटर, कुर्ती, जैकेट, किसी में भी अप्लाई करें, बहुत ही सुंदर डिजाइन है इसका। फ्रंट लुक ये है, बैक लुक ये है, बैक लुक भी कितना फिनिशिंग से बनाया है, और मात्र दो दो सिलाई का डिजाइन है। और दो दो सिलाई में भी एक एज का दो सीधे, फिर दो के चार किए, फिर दो सीधे, दो के चार किए, दो के सीधे, दो के चार किए, उल्टी तरफ से जो सीधे बने थे वो दो उल्टे हो जाएंगे, और दो के चार के थे उनको वापस दो के दो कर देंगे बैक लूप से, और कुछ भी नहीं है इस डिजाइन। तो ट्राई ज़रूर कीजिए, मिलते हैं ऐसे खूबसूरत वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।